छात्राओं को छोड़ने जा रही चमेली देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की कॉलेज बस पलट गई। बस में 25 से ज्यादा छात्र छात्राएं सवार थे। हादसे में चालक मुकेश गिरी सहित 6 छात्राएं घायल हुई हैं। एक छात्र के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। हादसा चालक की लापरवाही के कारण हुआ है। वह जल्दी लौटने के चक्कर में तेज रफ्तार में बस चला रहा था। खुड़ैल TI अजय सिंह गुर्जर के मुताबिक घटना करीब 3:30 बजे भेरू घाटी के समीप की है। चमेली देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की बस 25 से ज्यादा छात्र छात्राओं को लेकर तिल्लौर से पिपलदा की तरफ जा रही थी। बस ने जैसे ही घाटी पर चढ़ाई शुरू की, अचानक कार सामने आ गई। चालक मुकेश गिरी ने बचने के चक्कर में ब्रेक लगाया और बस असंतुलित होकर पलट गई। बस में 25 से ज्यादा छात्र और छात्राएं बैठे थे। कई बच्चे सीट के नीचे दब गए। राहगीरों ने मदद की और बस में फंसे बच्चों को खींचकर बाहर निकाला। घायलों को एम्बुलेंस द्वारा भंवरकुआं और नौलखा स्थित निजी अस्पताल भिजवाया गया। SI सत्येंद्र सिंह सिसोदिया के मुताबिक हादसे में BCOM प्रथम वर्ष की छात्रा वेदिका व्यास, आयुष चौधरी और आर्यन चौधरी सहित 6 छात्राएं घायल हो गए। आयुष के सीधे हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। आयुष ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि चालक तेज रफ्तार में बस चला रहा था। कार सामने आ जाने के बाद संतुलन नहीं बना पाया। प्रत्यक्षदर्शी राजेश सिंह के मुताबिक गलती बस चालक मुकेश की है। वह काफी तेज रफ्तार में था। मोड़ होने के बाद भी उसने रफ्तार कम नहीं की। अचानक कार सामने आई तो ब्रेक लगाए मोड़ पर बस पलट गई। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि बस 30 फीट तक घसीटते हुए चली गई। बच्चों की चीत्कार सुनकर लोग सहम गए। कई बच्चे कांच लगने से घायल हुए थे। बस में 25 से ज्यादा बच्चे थे। वे एक दूसरे से दबने से भी घायल हो गए। ज्यादातर बच्चे खुड़ैल, कंपेल, तिल्लौर, खुर्द, तिल्लौर, बुजुर्ग, पिपलदा और वावलिया के हैं। राहगीरों ने भी उन्हें पहचान लिया। तत्काल स्वजन को कॉल कर घटना की सूचना दी। बच्चों के स्वजन अस्पताल पहुंच गए, लेकिन कॉलेज प्रबंधन की तरफ से कोई नहीं आया। घंटों बाद बस इंचार्ज इंद्रेश कुमार अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में भी अभिभावकों ने ही भर्ती करवाया। नमस्कार रीवा, मैं हूं भानु पंडित। और मैं हूं अनीता भट्ट। और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। So, see you all there.